सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल गाइज। मेरा नाम है सक्षम त्यागी और आप देख रहे हैं ST सीरीज YouTube चैनल। किसी भी एक सॉन्ग को इन सब म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने का पूरा प्रोसेस क्या होता है, तो चलिए दोस्तों पूरा प्रोसेस जो है वो इत्मीनान से और डिटेल में जो है वो आपको मैं समझा देता हूँ पूरा प्रोसेस। आप अगर आपने आज तक कोई सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट भी किया होगा, यानी कि इन प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड किया होगा, तो आपकी जो क्वेश्चंस होंगे वे भी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ये फुल ट्यूटोरियल है कि आखिर सॉन्ग अपलोड करने के बाद कैसे वो रिव्यू में जाता है, क्या क्या उसका पूरा प्रोसेस होता है, और जो अपना नई ये जो इस फील्ड में नया आना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो यहाँ पर होने वाली है। इसलिए मैं आपसे आशा करता हूँ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आपको अपना कोई भी सॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट करना है या अपलोड करना है तो उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है पूरा समझाऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। तो वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपकी जितनी क्वेरीज हैं वो सारी यहाँ पर जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना होगा, अगर आप अपना कोई भी एक सॉन्ग या कितने भी सॉन्ग अगर किसी भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना चाहते हैं तो उस पर जो आपका सॉन्ग के अंदर जो लिरिक्स होंगे, जो म्यूजिक होगा, जो भी चीज़ आपकी होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रिएट की हुई होनी चाहिए, जिससे कि जब आप अपना सॉन्ग जो है रिव्यू के अंदर भेजें तो वो या तो रिजेक्ट ना हो या फिर उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए। तो जो भी है, सबसे पहले आपका जो सॉन्ग है वो आपका खुद का होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर जब हम अपना सॉन्ग किसी भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से आपका अपलोड करना चाहें तो आपका सॉन्ग बिना किसी झंझट के या बिना किसी परेशानी के वो सीधा अपलोड जो है वो वेबसाइट्स पर या ऐप्स पर हो जाए, आपका ना तो उस पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक आए ना ही आपका सॉन्ग जो है वो रिजेक्ट हो। आई थिंक जो मैं ये समझाना चाहता हूँ आप समझ चुके हैं कि जो भी आपको अपना सॉन्ग बनाना है, अगर आप कवर भी बनाना चाहते हैं तो उस पर जो है वो रिमिक्स के चक्कर में ना रहे। कभी कभी रिमिक्स अगर सॉन्ग बनाते हो किसी भी बॉलीवुड या पंजाबी सॉन्ग को लेकर, अगर उस पर आप अपनी बीट जो है वो ऐड करते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपलोड हो जाए और कभी कभी ऐसा होता है कि उसके रिजेक्ट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम आगे स्टेप की तरफ बढ़ते हैं और आगे स्टेप क्या क्या होते हैं, तो चलिए दोस्तों हम आगे के स्टेप्स पर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको अपना सॉन्ग जो है वो किसी भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने के लिए एक प्रोसेस कंप्लीट करना होता है, जिस पर आपको सारी अपनी डिटेल्स फिल करनी पड़ती हैं और ये आप खुद नहीं कर सकते, आपको किसी भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट की जो है यहाँ पर हेल्प लेनी पड़ती है, वो चाहे आप ग्लोबल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के लें या फिर किसी भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन की यहाँ पर आप हेल्प लें। कोई सी भी वो अगर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन की वेबसाइट है आप उससे भी अपना सॉन्ग जो है वो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। और प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा कि ग्लोबल में क्या अंतर होता है और इंडियन में क्या अंतर होता है और कैसे कैसे आप इनको अपलोड भी कर सकते हैं, उसका भी पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो पर बने रहना क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है। जितने मैंने अभी तक वीडियोस बनाई हैं उन सबका ये निचोड़ मान लीजिए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन इस पर आपकी सारी क्वारीज भी जो है वो कंप्लीट हो जाएंगी। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम अपना सॉन्ग जो है वो जो वेबसाइट्स हमारा सॉन्ग अपलोड करती हैं वो आखिर कौन कौन सी होती हैं और किस किस टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारे पास दो तरीके की वेबसाइट्स होती हैं म्यूज़िक अपलोड करने के लिए। पहली जो वेबसाइट है वो होती है यहाँ पर ग्लोबल म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरी जो वेबसाइट होती है वो होती है इंडियन म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि ग्लोबल में क्या अंतर है और इंडियन में क्या अंतर है। तो चलिए हम पहले ग्लोबल का समझ लेते हैं। दोस्तों ग्लोबल म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट जो है वो एक ग्लोबली वेबसाइट है, यानी कि आपके जो वो वेबसाइट है वो आपका सॉन्ग वर्ल्ड वाइड जो है वो अपलोड करेगी, वर्ल्ड वाइड अपलोड करेगी। लेकिन उसमें एक कंडीशन होती है, अगर आप अपना ग्लोबल से अपलोड करते हैं सॉन्ग तो उस पर आपको जो है वो वाइंक म्यूजिक, गाना, हंगामा ऐसे जो इंडियन प्लेटफॉर्म्स हैं वो यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। आपको उस पर प्लेटफॉर्म्स मिलेंगे गीजर, साउंड क्लाउड या टाइडल, इस तरीके के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंस्टाग्राम और फेसबुक भी और टिकटॉक, रेशो ये सब भी आ जाते हैं। लेकिन जो हमारी इंडियन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट होती है इस पर आपको ये समझना जरूरी है कि सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इस पर क्या होगा आपके जो इंडियन म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि वाइंक म्यूजिक, गाना, जियो सावन या और भी जो इंडियन वेबसाइट्स के हैं या फिर इंडियन ऐप्स हैं जहाँ पर आप म्यूजिक सुनते हैं वहाँ पर भी आपका सॉन्ग अपलोड यहाँ पर ये इंडियन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो करती है। और साथ ही साथ इंटरनेशनल जो प्लेटफॉर्म हैं जो कि ग्लोबल म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट यहाँ पर गीजर, टाइडल, साउंड क्लाउड इन जैसे वेबसाइट्स पर अपलोड करती है सॉन्ग को, साथ ही साथ इंडियन जो होती है ना वो भी इन ऐप्स पर, टाइडल हुआ, साउंड क्लाउड हुआ, गीजर हुआ, इनके साथ साथ इंडियन पे भी जो है वो यानी कि वर्ल्ड वाइड इंडियन में भी और वर्ल्ड में भी वो यहाँ पर इंडियन से अगर आप अपलोड करोगे तो यहाँ पर आपका सॉन्ग जो है वो हर जगह अपलोड हो जाएगा। और इंडियन से डिस्ट्रीब्यूशन से एक फ़ायदा और है जो कि आपको यहाँ पर एक बेनिफिट है,
वो बेनिफिट ये है कि अगर जैसे कि आप किसी भी सॉन्ग की कॉलर ट्यून लगाना चाहते हैं, तो अगर आप इंडियन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर अपना सॉन्ग अपलोड करते हैं तो आपको जो है वो यहाँ पर कॉलर ट्यून का ऑप्शन भी दिया जाता है। जब आप इंडियन से जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे अपने सॉन्ग का, तो वहाँ पर आपको आपके सॉन्ग की जो है वो बाय सिम नेटवर्क्स, जैसे कि जियो हुआ, BSNL हुआ, या फिर एयरटेल या VI, इन सब के कोड्स भी दिए जाएंगे और लिंक भी दिए जाएंगे, जिससे कि आप अपनी जो है वो रिंग ट्यून भी लगा सकते हैं अपने सिम पर, या कोई भी आपके रिंग ट्यून को वो है वो बड़े ही आसानी से लगा सकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का प्रोसेस समझते हैं। ये तो मैंने आपको बता दिया कि दो तरीके की वेबसाइट्स होती हैं जिससे कि आप अपना सॉन्ग या वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब मैं आपको जो है वो दो स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर जो है वो दो स्क्रीनशॉट आएंगे, जहाँ पर पहले स्क्रीनशॉट में आपको देखने को मिलेगा ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट्स कौन कौन सी होती हैं। सारी डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट्स का मैं आपको जो है वो लिख कर बताऊंगा, उससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और साथ ही दूसरा स्क्रीनशॉट जो आएगा वो आएगा इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट्स का, तो आप उसका भी जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही जिन वेबसाइट्स का मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, आप उनको पढ़ के स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हैं, और साथ ही साथ जिनका मैं आगे बनाऊंगा उसके लिए चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब आपके सामने जो है वो आने वाले हैं यहाँ पर दो स्क्रीनशॉट, तो अब आपकी स्क्रीन पर वो पहुँच चुके हैं। तो आप इन दोनों का जो है वो स्क्रीनशॉट बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं आपकी स्क्रीन पर जो इस टाइम जो है स्क्रीनशॉट जो है वो चल रहे हैं। पहला स्क्रीनशॉट तो ये वाला है और दूसरा वाला स्क्रीनशॉट आपके सामने ये है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि हम अपना इनमें से अगर किसी वेबसाइट से अपना सॉन्ग अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कैसे सारी डिटेल्स फिल करनी होती हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर मेन जो है वो चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे ट्यूटोरियल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है तो आप जो है वो फॉर सॉन्ग क्रिएटर्स की मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप वहाँ पर जाकर भी सारे ट्यूटोरियल देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मेन चीज़ें बताऊँगा कि हमारा मेन प्रोसेस क्या होता है। तो हम अगर किसी भी वेबसाइट से हम अपना सॉन्ग करते हैं, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो ग्लोबल हो, तो आपको वहां पर जो है वो कुछ डिटेल्स फिल करनी होती है सॉन्ग से रिलेटेड। चाहे वो आपके सॉन्ग का पोस्टर हुआ, चाहे वो आपके सॉन्ग की ऑडियो फाइल हुई, या आर्टिस्ट नेम हुआ, या फिर आपकी कंट्री हुई, या उसके जनर्स हुए, ये सारी डिटेल्स आपको उस वेबसाइट पर फिल करनी पड़ती हैं, जिससे कि जो आपके सॉन्ग्स की सारी डिटेल्स हैं वो जो है वो वेबसाइट्स के पास तक पहुंच सकें। ठीक है, अब उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ पोस्टर का और ऑडियो का एक चीज़ जो है वो आपको भी समझनी पड़ेगी। तो दोस्तों पोस्टर में और ऑडियो में आपको दो चीज़ें बहुत ध्यान से रखनी है। पहला पोस्टर के लिए मैं बता देता हूँ, बाद में मैं ऑडियो फाइल के लिए बताऊँगा। दोस्तों आपको अपने सॉन्ग का जो पोस्टर बनाना है उस पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि पहली चीज़, जो भी आपके सॉन्ग का टाइटल होगा यानी कि जो सॉन्ग का नेम होगा आपका, वो उस पोस्टर पर ज़रूर होना चाहिए। दूसरा, या फिर सिंगर का नाम या आर्टिस्ट, वो भी जो है वो पोस्टर पर ज़रूर होना चाहिए। और पोस्टर पर जितना आप क्लियरनेस रख सकते हैं, यानी कि जिस उस पोस्टर को जितना आप क्लीन रखेंगे, ना उस पर लेबल का नाम लिखें, जितनी फालतू चीज़ें उस पोस्टर पर नहीं होंगी, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। एक तो आपको सॉन्ग का टाइटल ज़रूर लिखना है और आर्टिस्ट का या सिंगर का नेम भी ज़रूर होना चाहिए। उसके लिए अगर आपको उसका एक चीज़ और ध्यान रखनी है, मैं भूल चुका हूँ, वो मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन एक चीज़ और आपको पोस्टर में ध्यान रखनी है कि उसका जो साइज़ होता है, इस पर एक मिनिमम साइज़ जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन साइट लेती हैं, जो कि आपको उसी साइज़ में अपना पोस्टर क्रिएट करना होता है। अगर आपका वो वाला साइज़ नहीं होगा तो आपका पोस्टर जो है वो अपलोड नहीं किया जाता। अब उसका साइज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, 3000x3000 पिक्सल में जो है वो आपका पोस्टर होना चाहिए। उसका अगर आपको 3000x3000 पिक्सल में पोस्टर बनाना नहीं आता है, तो उसका लिंक मैंने ऊपर बेल आइकन पर दे दिया है, आप वहाँ से जाकर बनाना सीख सकते हैं कि हम अपने सॉन्ग के लिए पोस्टर जो है वो इमेज कैसे बना सकते हैं। दूसरा, अब बात कर लेते हैं हम ऑडियो की। जो आपकी दोस्तों ऑडियो है, इस पर भी आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे कि अगर आपने कोई अपना सॉन्ग अपना कोई भी रिकॉर्ड किया, तो रिकॉर्ड करने के बाद जो उसकी क्वालिटी है, एक तो उसकी क्वालिटी जो है वो या तो वेव में या फ्लैक में या MP3 में, इन तीनों में से किसी भी फॉर्मेट में अगर होगी तो वो अपलोड हो जाएगी। साथ ही साथ आपको बिटरेट का और किलो हर्ट्स का भी ध्यान रखना है। बिटरेट आपका जो है 16 बिटरेट आपके सॉन्ग का होना चाहिए, और दूसरा जो किलो हर्ट्स है वो आपका 44.1 किलो हर्ट्स में आपकी ऑडियो होनी चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं आता कि हम इसका हम किलो हर्ट्स में और बिटरेट कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी मैंने ऊपर बेल आइकन पर दे दिया है, आप वहाँ से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, पोस्टर का जो मैंने साइज़ बताया था और साथ ही साथ ऑडियो का मैंने आपको जो है वो इसका भी साइज़ बताया था, बिटरेट और किलो हर्ट्स। तो दोस्तों ये ही क्यों मांगता है, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑडियो का अगर आप बिटरेट और किलो हर्ट्स इसी उसमें रखेंगे, जैसे किलो हर्ट्स मैंने आपको बताया
44.1 kHz आपको रखना है और 16 बिट रखना है। तो ये जो ऑडियो का फॉर्मेट होता है ये सबसे हाई क्वालिटी ऑडियो मानी जाती है, इसलिए आपको इसी क्वालिटी में जो अपनी ऑडियो वो है सबमिट करनी पड़ती है। दूसरा मैं आपको बता दूं पोस्टर के लिए, तो दोस्तों आप किसी भी अगर म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट पर अपलोड करेंगे अपने सॉन्ग की इमेज को या पोस्टर को, तो उस पर यही फॉर्मेट अप्लाई होगा, चाहे वो कोई सी भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो ग्लोबल। दोस्तों इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे फिल करना होता है, क्या क्या चीज़ें आपको फिल करनी होती है। अब बात कर लेते हैं हम इन सब चीज़ों को फिल करने के बाद हमारा आगे का प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि अभी हमारा सॉन्ग जो है वो रिव्यू में भी नहीं गया है। अब आपको क्या करना होता है, अब आपके सामने एक ऑप्शन आता है जहां पर आपको स्टोर्स सेलेक्ट करने होते हैं। स्टोर्स यानी कि एप्लीकेशंस, कि आपको अपना सॉन्ग किस किस एप्लीकेशन पर चाहिए। अगर आप इंडियन से करेंगे तो आपको इंडियन स्टोर्स भी शो होंगे, यानी कि इंडियन म्यूजिक एप्स भी शो होंगे। अगर आप ग्लोबल से करेंगे तो जो ग्लोबल वेबसाइट पर होंगे, जैसे जो भी इंटरनेशनल आपके ऐप्स हैं, तो वे आपको शो होंगे। उस पर आपको टिक लगाना होता है कि भाई हमें इस प्लेटफॉर्म पर जो है वो यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना है कि हमारा सॉन्ग इस ऐप्स पर आ जाए। तो ऐसे आपको पहले स्टोर्स सेलेक्ट करने होंगे, उसके बाद जो है वो आपका डन करने के बाद जब आपका सॉन्ग जो है वो रिव्यू के अंदर जाएगा। तो यहाँ तक का रिव्यू तक का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, अब मैं बताता हूँ कि रिव्यू में जाने के बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ तक इतना प्रोसेस करने के बाद आपका सॉन्ग जो है वो रिव्यू के अंदर जा चुका है। अब रिव्यू में जाने के लिए एक स्टेप उससे पहले, रिव्यू में जाने से पहले डन जब आप स्टोर्स को करेंगे, उसके बाद एक ऑप्शन और आपके सामने ओपन हो जाएगा सब्सक्रिप्शन का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है वो यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आ चुका है कि आपका सॉन्ग अपलोड करने में यही एक रुकावट है। यहाँ पर आप अगर किसी भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन साइट से अपना सॉन्ग अपलोड करेंगे तो सारा प्रोसेस करने के बाद आपके सामने एक ऑप्शन खुलकर आ जाता है कि सब्सक्रिप्शन। जी हाँ, इस वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा, और जब तक आप अपना सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे आपका सॉन्ग ये जो है वो रिव्यू में भी नहीं लेंगे। रिव्यू में जब जाता है जब आपके पास कोई सब्सक्रिप्शन हो, उसके बाद ही आपका सॉन्ग जो है वो अपलोड किया जाता है। अब मैं सब्सक्रिप्शन की बात कर लेता हूँ कि भाई सब्सक्रिप्शन कितने डॉलर्स का है, कितने रुपीस का आपको पड़ता है। दोस्तों बात ऐसी है कि अधिकतर जो है वो सारी वेबसाइट जो है वो पेड हैं, लेकिन एक वेबसाइट जो है वो डिट्टो, वो 30 डेज फ्री ट्रायल है, यानी कि 30 डेज के अंदर आप अपना म्यूजिक अपलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना नहीं पड़ेगा, तो आप डिट्टो को फ्री ट्रायल के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन और जो अनदर वेबसाइट्स हैं वो सारी पेड हैं, उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अब अलग अलग वेबसाइट्स का अलग अलग सब्सक्रिप्शन है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस वेबसाइट को चूज़ करते हो अपने सॉन्ग अपलोड करने के लिए। तो अधिकतर जो सब्सक्रिप्शन होता है वो $20 के आसपास होता है, इससे ऊपर सब्सक्रिप्शन जो है वो साल भर का नहीं होता, यानी कि 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आप मान लीजिए $20 आपके 1500 रुपीस के आसपास बैठेंगे, 1500 के आसपास आपके $20 जो है वो बैठेंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको एक वेबसाइट चूज़ करनी है, आपको कौन सी वेबसाइट कंफर्टेबल लगती है, जब उसके बाद में आपको उस वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन लेना है। और फ्री ट्रायल के लिए आप डिट्टो को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं डिट्टो का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए एक वेबसाइट बता रहा हूँ जो कि आपको 30 डेज फ्री ट्रायल देती है। अब इसके बाद में मैं आपको और भी इसके स्टेप्स बताता हूँ। यहाँ पर यहाँ तक मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपके सॉन्ग को रिव्यू में जाने तक का प्रोसेस और सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस और स्टोर सेलेक्ट करने का प्रोसेस। अब उसके आगे का जो प्रोसेस है वो भी आप इस वीडियो में देखने को ही आपको मिलेगा। आपकी सारी सॉन्ग की डिटेल्स फिल करने के बाद और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद और स्टोर सेलेक्ट करने के बाद जब आपका सॉन्ग अंडर रिव्यू में जाता है, तो उसके बाद में आपका ये सवाल और होगा कि भाई कि हमारा सॉन्ग कितने डेज के अंदर अपलोड हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, जब आपका सॉन्ग अंडर रिव्यू में जा चुका है, एक तो आपको वहीं पर एक डेट दे दी जाएगी कि भाई इस डेट को आपका सॉन्ग आप अपने किसी भी जहां पर आपने स्टोर सेलेक्ट किए थे उन स्टोर्स पर चेक कर सकते हैं कि इस डेट को आपका सॉन्ग जो है वो अपलोड हो जाएगा। अब वो डेट आपको कितने अंडर की मिलती है, 1 वीक के अंदर अंदर आपको वो डेट दी जाती है कि इस डेट के अंदर आपको जो है वो अपना सॉन्ग अपने प्लेटफॉर्म्स पर चेक कर सकते हैं जो कि आपने अपने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट किए हैं। तो आपको डेट की भी कोई झंझट नहीं होगी, आप जिस भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट से अपलोड करेंगे वो रिव्यू में जाने के बाद आपको एक डेट साफ साफ आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी कि इस डेट को आपका सॉन्ग जो है वो रिलीज होगा। या फिर कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं उस पर आप अपना टाइमिंग के साथ और डेट के साथ भी अपलोड कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट कर देना कि ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जिस पर आप डेट के साथ अपने हिसाब से और टाइमिंग के साथ ही अपने हिसाब से अपने सॉन्ग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब आगे का प्रोसेस और मैं आपको समझा देता हूँ।
दोस्तों जैसे कि मैंने आपको सारा प्रोसेस बताया, अब बात आती है कि आप इससे अपना पैसा कैसे कमा सकते हैं, इसका रेवेन्यू जनरेट कैसे कर सकते हैं। जब आपका सॉन्ग अपलोड हो चुका है सभी प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर आपने स्टोर सेलेक्ट किए थे, उसके बाद में जब पब्लिक आपके सॉन्ग को सुनेगी, जब आपके सॉन्ग का स्टेटस लगेगा इंस्टाग्राम पर या फिर कोई भी लिसनिंग करेगा, स्ट्रीमिंग करेगा, तो ऐसे डे बाय डे आपके जितने भी स्ट्रीमर्स होंगे उसका रिवेन्यू आपका अपने अकाउंट पर आ जाएगा, जो कि आपका वेबसाइट का अकाउंट होगा। तो आप वहां पर अपना जो है वो रिवेन्यू वाले ऑप्शन पर जाकर अपना जो है वो रिवेन्यू देख सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूं, अगर आपने ग्लोबल से यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो आपका ये भरोसा नहीं है कि आपका जो रिवेन्यू जनरेट होगा वो यूरो में होगा, डॉलर में होगा या किसी अनदर करेंसी में होगा। लेकिन अगर आप इंडियन स्टोर से यहां पर अपलोड करेंगे, इंडियन म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन वेबसाइट से, तो आपका रिवेन्यू जो है वो रुपयों में ही जो है वो यहां पर जनरेट होगा। अब अगर आपको ग्लोबल से अपना रिवेन्यू आपका मान लीजिए जनरेट हो चुका है, तो आपको उसे जो है वो अपने पास तक कैसे लाना है, तो आप वहां पर यूपीआई तो वहां पर कर नहीं सकते हैं, या तो आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए या डेबिट कार्ड चाहिए या नेट बैंकिंग चाहिए या फिर पेपल का ऑप्शन आपको वहां पर देखने को मिल सकता है ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में। अगर आप इंडियन से अपना रिवेन्यू जो है वो लेना चाहते हैं तो उस पर आपको यूपीआई का ऑप्शन भी मिलेगा, पेटीएम का मिलेगा, फोन पे का मिलेगा। जितने भी आपके इंडियंस यहां पर काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी होगा, डेबिट का भी होगा, सभी ऑप्शन आपके पास होंगे कि आप अपना रिवेन्यू किससे यहां पर अपना लेना चाहते हैं। तो रिवेन्यू की बात भी आपको आई थिंक समझ में आ चुकी होगी। अगर आप यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो और यहाँ तक आ चुके हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब मैं आपको बताता हूँ मेन टॉपिक की बात। दोस्तों अब आपने देखा होगा जब यहाँ पर आप किसी बड़ी कंपनी जैसे कि टी सीरीज, सोनी म्यूजिक, अगर आप इनके सॉन्ग को अपने वीडियोज़ पर यूज़ करते हैं तो आपके डिस्क्रिप्शन में एक इस तरीके का जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भाई ये इस चैनल का जो है वो सॉन्ग है, इस आर्टिस्ट का सॉन्ग है, इस चैनल का सॉन्ग है। तो अब आपको ये अपने सॉन्ग के लिए कैसे क्रिएट करना है, यानी कि लाइसेंस अपने सॉन्ग का कैसे क्रिएट करना है। दोस्तों इसको लाइसेंस नहीं, इसको कंटेंट आईडी बोलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको आपको कैसे जनरेट करना है, थोड़ा सा मैं हिंट दे दूंगा, लेकिन जो इसकी फुल ट्यूटोरियल वीडियो है वो भी आपको एक तो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, उसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा कि ये हमें कैसे कैसे मिलती है। लेकिन अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझना है कि हमें क्या क्या करना पड़ता है प्रोसेस, तो उसके लिए मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा, बस कमेंट कर देना, मैं आपको यहाँ पर मोटा मोटा समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आपको अगर बिल्कुल सेम यही प्रोसेस करना है, आपके सॉन्ग अगर कोई यूज़ करे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपका बिल्कुल इसी तरीके से जो है वो यहाँ पर आपका नाम और सॉन्ग का नाम आ जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपनी एक कंटेंट आईडी परचेस करनी होती है, वो भी आपको म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन साइट से ही मिलती है। आपको वहाँ पर अप्लाई करना होता है कि मुझे अपने सॉन्ग की कंटेंट आईडी चाहिए, जो आपके चैनल पर एक कंटेंट आईडी बन जाती है, जिससे कि आपके चैनल पर जो भी सॉन्ग अपलोड होगा उसका एक ऑलरेडी लाइसेंस बन जाएगा, जिसके ओनर जो है वो आप होंगे। अब इसका पूरा प्रोसेस वो कैसे कैसे होता है उसके लिए मैं अलग वीडियो ले आऊँगा, लेकिन यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना ना भूलें, और भी मैं इसके स्टेप्स जो है वो आपको बताना चाहता हूँ, तो इसीलिए अगली जो वीडियो कंटेंट आईडी से अगर आपको रिलेटेड चाहिए कि भाई ये आपको कैसे कैसे मिलेगा, जो भी आपके लाइसेंस के आगे आपका सॉन्ग का नाम आ जाए या आपका नाम या आपके चैनल का नाम आ जाए, उसको कंटेंट आईडी बोलते हैं, ये आपको कैसे कैसे लेनी है, इस पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना यार, और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर करें। जो भी नए क्रिएटर्स हैं, जो भी नए सॉन्ग क्रिएटर्स हैं, उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से, क्योंकि मैंने ये बहुत मेहनत कर आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई हैं। अभी तक मैंने जितना यहाँ पर आपको अपनी छोटी छोटी वीडियोस में समझाया था उसका एक ये सारा निचोड़ मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको पूरी डिटेल्स के साथ बताया कि रिव्यू में जाने के बाद क्या होता है और रेवेन्यू जनरेट कैसे होता है, कैसे कैसे पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर सॉन्ग अपलोड करने का। तो आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें, और अगर आप एक नए जो व्यूवर हैं तो बेल आइकन भी ज़रूर से दबा लेना यार सब्सक्राइब करने का, क्योंकि ऐसी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, यही मेरा जो है वो प्रयास रहता है। और साथ ही साथ अगर आप चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो मेरा जो है वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और मैं वीडियोज़ इसी एनर्जी के साथ नहीं बना पाऊंगा अगर आपने ये वीडियो लाइक नहीं करी। तो फिलहाल इस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, आगे भी ऐसी वीडियोज़ आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, क्योंकि मैं एनालिटिक्स में चेक करता हूँ आप वीडियोस देखना पसंद करते हो चैनल की लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल से नहीं करते हो। और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर इंस्टाग्राम पर अपने जो है वो क्वेश्चन के आंसर मुझसे ले सकते हो अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी है तो। और फॉलो ज़रूर से कर लेना यार, क्योंकि आप अगर फॉलो नहीं करेंगे तो जो है वो मुझे भी ऐसा लगेगा कि अगर मेरी फैमिली बड़ी होगी तो वो इंस्टाग्राम पर भी बड़ी होगी और यूट्यूब पर भी बड़ी होगी। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, जय हिंद और वंदे मातरम।